राम मंत्र में षडाक्षर मंत्र माना जाता है, वहाँ ओम भी लगाया जाता है, रिम भी लगाया जाता है, बीज जोड़ा जाता है, लेकिन हम जैसे लोक समुदाय को षडाक्षर मंत्र सरलता से उच्चारित हो जाए ऐसा कोई हो तो जय सियाराम, जय सियाराम। षडाक्षर मंत्र तीन बार बोलो, जय सियाराम। अब देखो जय श्री राम बोलोगे तो पंचाक्षर मंत्र हो जाएगा, और महामंत्र में षडाक्षर की महिमा है, इसलिए जय श्री राम भी एक अद्भुत उच्चारण है, लेकिन षडाक्षर का यदि उच्चारण करना है तो कायम जो भी मिले उसको जय सियाराम। क्या बोलना? जय सियाराम। ठीक है, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, ए जय सियाराम, जय सियाराम। और पछी आटली बड़ी मेहनत कराओ जो यार टूटी जाए। तो पछी 60 साल से मेहनत कर रहा हूं तो अभी लोग भूल करते हैं। पंचाक्षर में श्री राम, जय श्री राम पंचाक्षर, यस उसके उपासक वो बोले, क्योंकि षडाक्षर मंत्र तो जय सिया राम, जय सिया राम। सारे गम पधनी सानी धपाना करी सा, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। जरा मासूम होकर बोल जय सियाराम, जय सियाराम। कहो कहां रगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति हमारी विरासत।